हेलो फ्रेंड्स, भारत भूषण एडवोकेट अगेन। रियल एस्टेट सेक्टर पर जो नया जीएसटी के प्रोविजंस आए हैं उसकी हम सीरीज देख रहे हैं। इसका ये पार्ट टू है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो नए रेट हैं वो अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर 1% है और अदर देन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर 5% है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, उन पर भी जीएसटी रेट 5% है। लेकिन मैंने जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके साथ कुछ राइडर्स हैं, कंडीशंस हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस क्या हैं। इन कंडीशंस पर आऊं उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि बेसिस जो जीएसटी का है उसमें कोई चेंज नहीं है। आज भी जीएसटी उन्हीं अपार्टमेंट्स पर लगेगी जिनकी बुकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले की जा रही है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर पूरा पैसा लिया जा रहा है तो उस पर कोई जीएसटी पहले नहीं था, कोई अब नहीं है और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो सेल ऑफ बिल्डिंग है, वो उसके एक्सक्लूजन में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के एक्सक्लूजन में नहीं आती है। एक्सक्लूजन में सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर्स हैं और जिसकी बुकिंग कंप्लीशन से पहले ली जाती है। चलिए अब हम नए रेट्स के साथ जो कंडीशंस हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो इस पर जीएसटी है वो कैश लेजर में डेबिट करके देनी है, क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। जो इन प्रोजेक्ट्स में आप इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज करेंगे उसका क्रेडिट भी आपको, या कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन जो मैं कह रहा था कि ये नए रेट्स पुराने रेट से भी आगे चले जाएंगे, वो कंडीशन क्या है, 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विल बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ओनली। आपको 80% इनपुट और इनपुट सर्विसेज जीएसटी के साथ परचेज करनी है, उस सप्लायर से लेनी है जो जीएसटी चार्ज करे, अनरजिस्टर्ड से नहीं लेनी है। और अगर अनरजिस्टर्ड से लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएंगे वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो उसका टैक्स आपको रिवर्स चार्ज में पे करना है, उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स जो आप अगर कोई खरीद रहे हैं अनरजिस्टर्ड बायर से, सप्लायर से, तो उसका भी आपको टैक्स देना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यह स्कीम ऑप्शनल नहीं है। अगर कोई सरकार बेनिफिशियल स्कीम लाती है तो उसको ऑप्शनल रखती है, यह ऑप्शनल नहीं है, यह कंपल्सरी है। सिर्फ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उस पर आप पुराने रेट पर टैक्स दे सकते हैं, अगर आपका वो कंडीशन, सर्टन कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप उनको पुराने रेट पर टैक्स देना कंटिन्यू रख सकते हैं सिर्फ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पर, ये ऑप्शनल स्कीम नहीं है। आगे हम इन कंडीशन को डिटेल में करते हैं। पहले बात की थी 80% सप्लाईज हमने रजिस्टर्ड सप्लायर से लेनी है, लेकिन कुछ एक सप्लाईज है वो जब हम 80% कैलकुलेट करेंगे तो उसमें नहीं आएगी। पहली है ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ये अभी हम इस क्वेश्चन पर नहीं जाते हैं कि डेवलपमेंट राइट्स टैक्सेबल है या नहीं है। सरकार ने मान लिए टैक्सेबल है तो हम मान के चल रहे हैं टैक्सेबल है। डेवलपमेंट राइट्स जो लैंड ओनर से जेडीए में मिल रहे हैं उसको 80% में कैलकुलेट नहीं करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट, जो सलामी या अपफ्रंट पेमेंट देके लॉन्ग टर्म लीज ली जाती है, वो लीज की पेमेंट को भी आपने जब 80% कैलकुलेट करेंगे वो भी नहीं लेना है। या फिर लॉन्ग टर्म लीज कैश की जगह एफएसआई दी जा रही है, या डेवलपमेंट राइट्स के बदले में जो एफएसआई दी जा रही है, उन सबको भी कंसिडर नहीं करना है। डेवेल्पर मीन्स डेवेल्पर जो लैंड ओनर से जो सर्विसेज ले रहा है, जो लैंड को यूज करने के लिए डेवलपमेंट राइट्स के तौर पर, उनको 80% में कैलकुलेट नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करना है, हाई स्पीड डीजल को नहीं करना है, पेट्रोल को नहीं करना है, नेचुरल गैस को नहीं करना है। इन सबको छोड़ के बाकी सबका जोड़ लगाना है साल के एंड में और चेक करना है कि 80% से कम तो नहीं है। प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट होना है, हर प्रोजेक्ट पर आपको चेक करना है, टोटल में चेक नहीं करना है, हर प्रोजेक्ट में आपको चेक करना है। अगले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए या जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके क्वार्टर के एंड, मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में जब प्रोजेक्ट चल रहा है
तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाय द एंड ऑफ जून आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी सप्लाईज जो रजिस्टर्ड सप्लायर से आई है वो 80% से कम तो नहीं है। अगर कम है तो आपको उस पर 18% के रेट पर टैक्स दे देना है, और ये लायबिलिटी आपकी जून जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जैसे अब 19-20 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो जून 20 की आउटपुट लायबिलिटी में ये शॉर्टफॉल पर जो वैल्यू में शॉर्टफॉल आएगा 80% से जितना कम वैल्यू रह जाएगी उसके ऊपर 18% से कैलकुलेट करके टैक्स आपकी आउटपुट लायबिलिटी में जुड़ जाएगा। और जब आप टैक्स दे देंगे किसी सप्लाई पर अनरजिस्टर्ड से लेके रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स दे देंगे तो वो आप ये माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसकी अगली स्लाइड्स में जब हम समझेंगे तब इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। सीमेंट आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज में उसके ऊपर टैक्स देना है, उसी महीने में देना है जिस महीने में आपने सीमेंट खरीदी है, और उसका रेट होगा 28% रिवर्स चार्ज में देना है। और पहले मैंने बताया था टैक्स दे देने के बाद यह माना जाएगा कि यह सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से आई है। सीमेंट पर टैक्स देना ही देना है हमने अगर अनरजिस्टर्ड से आई है, लेकिन सीमेंट को 80% की कैलकुलेशन में लेना है। ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उन एग्जाम्पल्स का भी हम यूज करते हैं। ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं उसमें, उसमें पहला एग्जाम्पल ये है, उसमें बताया है अलग अलग सप्लाईज और उन पे कितने परसेंट आए हैं। सेंड है 10%, रजिस्टर्ड से आई है सीमेंट 15%, नहीं आई है ड्यूरिंग द ईयर ब्रिक्स 20% स्टील ब्रिक्स 15%, फ्लोरिंग टाइल्स 10%, ये भी रजिस्टर्ड से, पेंट 5%, ये भी रजिस्टर्ड से, डिजाइनिंग सर्विसेज 10%, ये भी रजिस्टर्ड से, एल्यूमिनियम विंडोज प्लाई कमर्शियल वुड एटसेट्रा 15%, ये भी रजिस्टर्ड से। मींस साल के एंड में इस एग्जांपल में ये कहा है कि 15% जो वैल्यू वाइज सीमेंट है जो 15% है वो अनरजिस्टर्ड से आई है, ये साल के एंड में रिकॉर्ड बना रहे हैं जो टोटल किया है उसका, ये बात एग्जाम्पल दिया है नोटिफिकेशन में, और उस नोटिफिकेशन में इसको इंटरप्रेट किया है, कह रहे हैं कि टोटल का तो 80% आपने रजिस्टर्ड से लिया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज का, लेकिन सीमेंट रजिस्टर्ड से ले ली है इसलिए आप सीमेंट पर रिवर्स चार्ज में टैक्स दीजिए। ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये नोटिफिकेशन की इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन आती है कि जब सीमेंट पर एज पर नोटिफिकेशन हर महीने टैक्स देना है, और जब टैक्स देने के बाद रिवर्स चार्ज में टैक्स देने के बाद वो ये माना जाएगा कि वो रजिस्टर्ड से आई है, तो साल के एंड में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीमेंट बचेगा कहां अनरजिस्टर्ड से आया हुआ, क्योंकि उसका तो हमने पहले ही हर महीने रिवर्स चार्ज में अगर कोई अनरजिस्टर्ड से सीमेंट आती है तो टैक्स दे दिया है, तो साल के एंड में सीमेंट अनरजिस्टर्ड से रिसीव हो ही नहीं सकती, होगी तो उसका डिफॉल्ट हमारा पीछे के महीने में होगा, वो 80% में कभी भी सीमेंट नहीं आ सकती। ये एग्जाम्पल में शायद वो क्लियर करने में चूक गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में सभी कुछ रजिस्टर्ड से आया एक्सेप्ट पेंट जो 5% है, और साथ में एल्यूमिनियम विंडोज और कमर्शियल वुड 15%, मीन्स सीमेंट पर भी रजिस्टर्ड से आया हुआ है और टोटल का 80% भी रजिस्टर्ड से आया हुआ है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज में प्रमोटर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, और यही उसमें इलस्ट्रेशन में बताया हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल में सेंड 10% वैल्यू की है वो अनरजिस्टर्ड से आई है, सीमेंट 15% है अनरजिस्टर्ड से आई है, उसके बाद एल्यूमिनियम विंडोज है जो 15% है जिसकी वैल्यू वो अनरजिस्टर्ड से आई है, कमर्शियल वुड है 10% है जो अनरजिस्टर्ड से आई है। नोटिफिकेशन का जो एग्जाम्पल कहता है कि टोटल का 50% अनरजिस्टर्ड से आया है 50% रजिस्टर्ड से आया है, तो 30% का शॉर्टफॉल है। सबसे पहले हम सीमेंट जो 15% आई है उस पर रिवर्स चार्ज में 28% के रेट पे देंगे, फिर बाकी बचे हुए 15% और वैल्यू पर 18% देंगे। मैं फिर डिफर करता हूं, जैसा पहले बताया था सीमेंट साल के एंड में अनरजिस्टर्ड से सप्लाई रह ही नहीं सकती, क्योंकि अब पीछे ही उसका 28% की हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाती है,
तो ऐसे में सीमेंट रजिस्टर्ड से ही दिखेगी साल के एंड में। सीमेंट जब हम साल का एंड में कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कोई सीमेंट की सप्लाई हम रजिस्टर्ड से हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका हम टैक्स पहले ही दे चुके होंगे। तो मैं जो इस नोटिफिकेशन में इलस्ट्रेशन को जो एक्सप्लेन किया है उससे थोड़ा डिफर करता हूं। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। प्लीज इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लग रहा है। इस टॉपिक को आगे हम पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, जिस पर मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि हम पुराने रेट पे टैक्स देना कंटिन्यू कर सकते हैं, वो क्या है। थैंक यू।